हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों में तो हमें चैनल प्रोडक्ट प्रॉब्लम स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया एक बहुत ही बड़ी ब्लूटूथ स्पीकर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर ही है। इसके अंदर आपको बहुत सारे लाइट्स के मोड मिल जाते हैं और कलरफुल लाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का भी मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, और ये स्पीकर कोई बहुत ज़्यादा महंगा आता भी नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस में ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आप इस स्पीकर पर पूरा डिटेल जान सकें। तो आज की इस वीडियो में इसी स्पीकर का पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइट्स वाले स्पीकर ही बाय करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का स्पीकर होने वाला है, और इसके अंदर सेंसर टच भी आपको देखने को मिलता है। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप इस तरह नए वीडियोस का अपडेट्स मिलते हैं। यहाँ सामने आप ब्लूटूथ स्पीकर को देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर ऊपर लिखा मिल जाएगा आपको टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर है। साथ ही नीचे यहाँ पर बहुत सारे आपको फंक्शंस बताए हुए हैं, जैसे कि लाइट्स है, डिम लाइट इसके अंदर यूज कर सकते हैं, म्यूजिक के लिए प्ले कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और हैंडल भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, जिससे आप इस स्पीकर को लैंप की तरह कैरी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रॉ किया गया, इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कलरफुल लाइट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, और सेंसर टच ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स पे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं द कीबोर्ड, मतलब जो कंट्रोल करने का बटन से उसके डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको टच फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मोड्स यहाँ पर कलर आप चेंज भी कर सकते हो मोड से। तो अभी हम बिना देरी किए चलिए इसे ओपन करते हैं और इसके अंदर स्पीकर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर आपको फाइनली एक यूएसबी केबल से देखने को मिलता है इस तरीके का। ये माइक्रो यूएसबी केबल है, तो आप कोई भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ फाइनली आप ब्लूटूथ स्पीकर को देख सकते हैं, मैनुअल वगैरह तो नहीं दिया है, बट उसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पूरा डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। अगर वेट की बात करें तो वेट बहुत ज़्यादा यहाँ इसका नहीं मिलता है, लगभग यहाँ पर आप मान सकते हैं 200-250 ग्राम तक का इसका वेट यहाँ पर आपको मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट का स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो इस स्पीकर को मैंने पहले ही बहुत यूज़ किया है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर स्पीकर का लुक आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पर आपको नेट देखने को यहाँ जाली लगी हुई मिल जाएगी, और ये सेंसर टच है, और इस तरीके का यहाँ पर पूरा डिजाइनिंग आपको देखने को मिल जाता है। पीछे यहाँ आपको हैंडल मिल जाता है, जिससे आप इसे कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पर आप चार्जिंग में लगा सकते हैं। ऑक्स कनेक्टिविटी भी दिया है, तो आप ऑक्स के थ्रू भी बजा सकते हैं, और बाकी इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं, और यूएसबी या पेन ड्राइव लगाना चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है, साथ ही एक माइक का यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप मोड्स चेंज कर सकते हैं, बाकी प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है तो इस बटन से आप प्ले कर सकते हैं, प्ले और पॉज करना है, कॉल पिकअप करना है तो ये बीच वाले बटन से कर सकते हैं, बाकी ये प्लस वाले बटन से आप वॉल्यूम को ज़्यादा और नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, और ये वाले बटन से वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे बटन फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, सारे कंट्रोलिंग आप यहीं से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको रबड़ के इस तरीके से लगे हैं, जिससे आप टेबल वगैरह पर रखेंगे तो ये स्पीकर ज़्यादा सॉन्ग बजने की वजह से मूव नहीं होगा, तो पिसलेगा नहीं, तो एक ग्रिप बना लेगा। तो इस स्पीकर का लुक किस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर सिंपली अभी हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। तो जब इसे आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है लुक में। तो यहाँ पर ये लैंप जल गया है, तो ये लैंप वाला मोड है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके भी तीन मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप जब सेंसर टच है तो यहाँ पर आप टब ऊपर टच करते हैं तो इसका ब्राइटनेस देख सकते हैं आप बढ़ रहा है, वापस टच करता हूँ तो इसका ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेकिन आपको थोड़ा ब्राइटनेस कम वगैरह चाहिए तो आप इससे वापस टैप करेंगे तो ये बंद हो जाता है, उसके बाद वापस टैप करेंगे तो ये फर्स्ट मोड पर आ जाता है। तो ब्राइटनेस का आपको तीन मोड मिल जाते हैं। ये तो नॉर्मल लाइट हो गया, अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं इसी लाइट में तो आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड का, तो ये कंटिन्यूसली चेंज होने वाला मोड है। तो यहाँ पर इस मोड पर स्पीकर कंटिन्यूसली चेंज होगा इसका लाइट्स, बट यहाँ पर सिंगल टैप करेंगे तो यहाँ पर सिंगल लाइट यहाँ पर जला सकते हैं आप इस तरीके से, वापस सिंगल टैप करेंगे तो वापस सिंगल लाइट। तो इस तरीके से आप सिंगल सिंगल टैप करेंगे तो यहाँ पर आप लाइट्स को चेंज कर सकते हैं एक सिंगल मोड में, बट यहाँ पर आप कंटिन्यूसली दबाते जाएंगे तो यहाँ पर मोड्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड मोड है, यहाँ पर एकदम स्लोली स्लोली लाइट जलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने में। तो ये वाला मोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर वापस से आप टैप करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली चेंज होने वाला भी मोड हो जाएगा, मतलब इसके अंदर अलग अलग मोड्स भी मिल जाते हैं लाइट्स के और अलग अलग कलर्स भी मिल जाते हैं। तो ये स्पीकर लाइट्स के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर है, और इसी की वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो अगर आप लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं या अंधेरे वगैरह में अगर स्पीकर को यूज़ करते हैं बहुत अच्छा लगता है इसका लुक दिखने में। और इसके अंदर अगर आपको कुछ स्टडी वगैरह करना है तो आप इसका मोड से, ये वाले मोड से आप स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं।
तो ये स्पीकर का यूज भी यहाँ पर आपको मिलता है, या फिर कैरी करके आपको कहीं इसे हैंग करना तो वो भी आप कर सकते हैं उजाले के लिए। सिर्फ स्पीकर ही नहीं है ये, साथ ही यूजफुल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो अभी हम बैटरी बैकअप की बात करते हैं। बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो इसका बैटरी बैकअप यहाँ पर अप टू 5 to 6 आवर्स तक का आपको प्लेइंग टाइम ये स्पीकर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर चार्ज करने जाए तो यहाँ पर 1 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है स्पीकर। अब उसके बाद यहाँ पर अभी हम इसे साउंड क्वालिटी की बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। लिख के आ गया है 671, तो इसे हमें कनेक्ट कर लेना है। The Bluetooth device is connected successfully. तो मैं वॉल्यूम को पहले सबसे ज्यादा फुल कर लेता हूँ, फुल वॉल्यूम कर लेता हूँ, उसके बाद हमें पता चलेगा इसका म्यूजिक क्वालिटी। तो यहाँ से बेस क्वालिटी बात करो तो साउंड यहाँ पर आपको बहुत लाउड मिल जाता है, बट इसकी स्पीकर में थोड़ा बहुत वहाँ पर फटने जैसे आवाज लगता है। और इस स्पीकर को मैंने पहले भी बहुत यूज किया था, मतलब इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्पीकर कोई हाई क्वालिटी का नहीं लगा हुआ है, बिकॉज इसका लाइट वेट इतना मिलता है कि इसके अंदर पता चलता है कि स्पीकर बहुत ज्यादा सस्ती क्वालिटी का यहाँ पर आपको यूज किया गया है। तो इसका स्पीकर बहुत लाउड मिल जाता है आपको, बेस यहाँ पर मान लीजिए 20-30% यहाँ पर आपको बेस देखने को मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। तो बेस यहाँ पर ना के बराबर आपको मिलता है इस स्पीकर में। अगर ये मतलब लाइट्स के लिए, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा लगता है और एक म्यूजिक सुनने के लिए बेस्ट है, बट इसके अंदर बेस आपको नहीं मिलता है। तो इसके लुक को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत की गई है, बाकी स्पीकर क्वालिटी वगैरह उतना ज़्यादा बेटर इसका नहीं मिलता है। ये आगे चल के ज़्यादातर प्रॉब्लम इस स्पीकर में स्पीकर का जाता है, वो स्पीकर यहाँ पर फट जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर थरकर आवाज़ करने लग जाता है। वैसे चलने को चलते भी स्पीकर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसका अभी तक चल भी रहा है स्पीकर, चल भी सकता है और किस्मत खराब हुआ तो नहीं भी चलेगा, लेकिन इसका स्पीकर क्वालिटी थोड़ा कम मिलता है। तो आप यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान में रख के इस स्पीकर को अगर बाय करना चाहे तो करें। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया इस स्पीकर को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट वगैरह है इस प्रोडक्ट को लेकर तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। उसके अलावा अगर आप इस स्पीकर को बाय करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट होना चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।